जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं ना, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर मुझे ये कमेंट्स मिलते रहते हैं आपके कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ आखिरकार बुरा क्यों होता है। हमने कभी किसी का जाने अनजाने में कोई अहित नहीं किया है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, बल्कि इवन लोगों की मदद की है, पर हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप ये जान पाएंगे कि आपके साथ जो है पर्सनली तौर पर बुरा क्यों होता है और आपको ऐसा उलझाया क्यों जाता है। इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ग्रह और कौन कौन सी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत गंभीरता से देखें, चीज़ों को एक एक को बारीकी से समझें, ताकि आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ या परेशानी है तो उससे आप बाहर हमेशा आ सकते हो और आपके साथ कभी भी बुरा किसी भी विषय को लेकर नहीं होगा। अगर जीवन में वर्तमान में कोई तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, दूसरी बात है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, भोलेनाथ का कोई एक नाम जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर आप लिखें। दोस्तों, होता ऐसा है कि हम जब भी किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं या जब भी हम किसी को दुखी देखते हैं तो हम वो दुख नहीं देख सकते हैं, और उस दुख को नहीं देखने के लिए वो दुख हमें बेचैन कर देता है। या तो हम उनकी मदद करेंगे या जो भी हमसे हेल्प बन पाए, जब तक हेल्प ना उनकी हम कर पाए तब तक हम बेचैन रहेंगे, या वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बहुत खलल करेगी, वो खाली जगह कर देगी। तो सबसे पहली और मुख्य बात है जिसे आपको हमेशा गौर करना चाहिए, वो है कि हम जिन लोगों की ईमानदारी के साथ मदद करते हैं वही लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि हमने उनके बुरे वक्त में, उनके ख़राब वक्त में सहायता करी और उस सहायता की बदौलत परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति हमारे साथ छल और कपट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए इससे बचने का जो तरीका है कि किसी की मदद कर दें और दूर हट जाए। मदद सिर्फ एक बार किसी की जाती है, बार बार नहीं की जाती, क्योंकि बार बार उसे मदद की आदत पड़ जाती है और वही जो आदत है वो हमारे निजी जीवन को तकलीफ़ में डाल लेते हैं। हमारे साथ कई सारी बुराइयाँ होती हैं, हम कई सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं बस इस छोटी सी चीज़ के लिए। दूसरी बात होती है कि हर अच्छा इंसान हर एक व्यक्ति को अच्छा समझता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बेशक आपको पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देगी, आप बहुत जल्दी किसी पे भी यकीन कर लेंगे और वो यकीन बेशक से टूटना लाजमी है कि आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी नहीं है। इसलिए लोगों का पहले ऑब्जर्वेशन करें, उस कला को सीखें। लोग झूठ तो कहीं नहीं बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सच हैं या नहीं है, उनकी जो बातें उन्हें गंभीरता से सुने, उसी में आपको समझ बहुत सी चीज़ें आ जाएगी कि ये हमारे साथ धोखा करने वाला, ये बुरा व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है। अच्छा लगा लाइक करें। ओम नमः शिवाय।